हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में आपको जियो फोन के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जैसे कि आपने सुना होगा या देखा होगा कि अभी जियो फोन की वीडियोस डली थी उसके टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड, जो लोगों को सदमा पहुंचाने वाला था। शायद दो तीन को हार्ट अटैक भी आ गया हो, मेरे को भी आने वाला था, लेकिन मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी तो मुझे भी ऐसा ही लगा और बाकी यूट्यूबर्स ने वीडियोस को देखकर डाली उसी वीडियोस को वैसे बोलकर। तो मैंने भी सोचा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यार मैं वीडियो डालूं, क्योंकि अभी मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जियो पर भरोसा है कि वो इस तरह से काम नहीं कर सकता है। छुपा रुस्तम वाले जो काम करते हैं बाकी कंपनीज, तो मुझे इस पर यकीन था कि जियो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। तो मैंने जब इसके टर्म्स एंड कंडीशन देखी तो मुझे भी ऐसा ही लगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन को देखकर क्या लगता है और जो बाकी यूट्यूबर्स ने कहा उसमें उन्होंने क्या कहा है। तो उसमें ये कहा था कि अगर आप एक साल के अंदर अंदर जियो फ़ोन को वापस करेंगे तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे फ़ोन के साथ में, और अगर आप 2 साल के अंदर अंदर वापस करते हैं तो आपको फ़ोन और साथ में 1000 रुपये वो भी वापस करने होंगे, मतलब 1000 रुपये और देने पड़ेंगे और साथ में फ़ोन भी वापस करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर देते हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे फ़ोन के साथ में वापस करते टाइम। और इसमें ये बात और कही थी कि आपको 1 साल में 1500 तक का रिचार्ज कराना पड़ेगा, मतलब आप कितने का भी रिचार्ज कराए, 303 का कराए, 399 का या फिर 153 का, मतलब कुल मिला के आपको 1 साल में 1500 रुपये तक का रिचार्ज में खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सब इसमें टर्म्स एंड कंडीशन को देख कर लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले मैं आपको इसे समझाने के लिए एक सिंपल सी बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपको फ़ोन मिल रहा है वो एक्चुअली आपको फ्री मिल रहा है, सही बात है, तो आपने 1500 रुपये उनको एडवांस में सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए दिए थे। तो मतलब आपने 1500 रुपये उनको 3 साल के लिए उधार दिए हैं और उन्होंने आपको फ़ोन उधार दिया है। तो अगर आप उसको 1 साल में फ़ोन वापस करना चाहेंगे तो वो फ़ोन आपको वापस लेंगे, लेकिन आपको वो जो 1500 रुपये आपने दिए हैं वो वापस नहीं देंगे। मतलब आपको फ़ोन फ्री में मिला था और आपको वो 1500 रुपये नहीं देंगे, तो मतलब आपको कितना लॉस हुआ, 1500 रुपये का, क्योंकि फ़ोन 0 रुपीज़ का था। तो इसी तरह से आपको ये 1500 रुपये का चार्ज लग गया। तो इस तरह का है क्योंकि ये फ़ोन आप 0 रुपीज़ का मिला है ना, क्योंकि आपको इसको 0 रुपीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि जियो ने इसको 0 रुपीज़ बताकर ही इसको लॉन्च किया है। तो जो दूसरी कंडीशन है इसमें दे रखा, अगर आप 2 साल के अंदर देते हैं तो आपको साथ में 1000 रुपये देना पड़ेगा और फ़ोन देना पड़ेगा। फ़ोन आपका 0 रुपीज़ का है तो आपने फ़ोन वापस कर दिया है, और उसके पास आपने 1500 रुपये पहले से दे रखे थे तो आपको उसमें से वो 1000 काट लेंगे और आपको 500 रुपये वापस दे देंगे। तो ये बात रही। और तो अगर आप 2 से 3 साल के बीच में इसको वापस करने जाएंगे तो आपको ये फ़ोन वापस करना पड़ेगा और साथ में आपको 500 रुपये और देने पड़ेंगे, मतलब क्योंकि आपने 1500 रुपये उनको पहले से दे रखे थे तो वो उस 1500 रुपये में 500 रुपये काट लेंगे और आपको 1000 रुपये दे देंगे। मतलब आपको कितना का लॉस हुआ, 500 रुपये का, और इसमें यही दे रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको नहीं समझ में आई तो भाई थोड़ा दिमाग लड़ाओ, और अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और अब मैं बात करता हूँ 1500 रुपये का आपको हर साल रिचार्ज करने वाला क्या फंडा है। तो भाई बात ऐसी है, अगर आप सच में 3 साल बाद इस फ़ोन को वापस करना चाहते हैं तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब आपको इसमें कुछ इसके सॉफ्टवेयर वगैरह से छेड़ नहीं करनी पड़ेगी, इसका सिम लॉक्ड है, इसके साथ कुछ ज़बरदस्ती कुछ इसमें अलग से कुछ OS में छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, और इसमें आपको 1 साल में 1500 तक का खर्चा करना पड़ेगा, मतलब 1500 रुपये तक का आपको कोई सा भी रिचार्ज करना पड़ेगा। तो अगर आप 3 साल बाद वापस करना चाहते हैं तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको फ़ोन मिलेगा, आप कैसे यूज़ करिए, सो फोड़िए, सड़क पे जाके तोड़िए उसको, छत पे से गेट दीजिए, कुछ भी करिए, आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। चाहे आप उसमें रिचार्ज कराए मत कराए, वाईफाई से यूज़ करें, कुछ भी करें आप, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, ना ही उसको आपको जियो आपका फ़ोन वापस लेगा। तो आपको बेफिक्र रहकर आप उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपके लिए मैं एक बार कुछ कहना चाहता हूँ, वेरी गुड, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप
समझदार लोग हैं, आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट करके फिर से समझा दूंगा। यार वीडियो पसंद आई तो यार इसे प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये गलतफहमी ना हो, शायद आपके इस वीडियो को शेयर करने से वो सुसाइड करने से बच जाए, क्योंकि अगर आप उनको बता देंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है तो शायद उनको थोड़ी खुशी मिल सके, वरना कुछ लोग सुसाइड भी कर सकते हैं जैसे ब्लू व्हेल खेल के करने लगे थे। तो बस यार वीडियो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं।